हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ट्रायंगल्स को जो है बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन जो होता है ट्रायंगल्स का, वो होता है साइड्स के बेसिस पे। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है ट्रायंगल्स का, वो होता है एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे हमने ट्रायंगल्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं अनइक्वल होती हैं, दैट मींस उनका मेजरमेंट डिफरेंट होता है। सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये साइन भी यूज कर सकती हैं। और तीसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है और एक थर्ड साइड अनइक्वल साइड होती है। तीसरा जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब एंगल्स के बेसिस पे जो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन है वो है, सबसे पहला जो होता है एक्यूट एंगल, दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल, तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री से कम बनेंगे। राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मिनिमम एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का बनेगा। और ऑब्ट्यूस एंगल में एक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ट्रायंगल्स में और क्या चीजें हैं? अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे दैट इज मीडियन। ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है? मीडियन का बेसिकली अगर आप देखो मीनिंग होता है मिड पॉइंट। ट्रायंगल में मिड पॉइंट अपन किस हिसाब से कंसिडर करेंगे? जैसे कोई भी मैंने ट्रायंगल बनाया, ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें इसका जो मिड पॉइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो मिड पॉइंट बनाना है ए से बनाना है बी सी पे, तो व्हाट आई, अब इसका मैं मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ। फॉर ये है 5 सेंटीमीटर, ये इमेजिनरी लाइन सेगमेंट नहीं है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। ये भी है 5 सेंटीमीटर और इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर बता देती हूँ। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो मतलब 5 सेंटीमीटर का हाफ। 5 सेंटीमीटर का हाफ हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो आएगा पॉइंट वो एकदम इसके बीच में आएगा। अब इसमें तो आप देखेंगे हाँ ये एकदम सेंटर में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ हो रही है। अब दूसरा अगर मैं देखूँ, कोई भी मैं फॉर एग्जाम्पल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया ए बी सी, मुझे इसका मिड पॉइंट बनाना है। मैं बी से बनाना चाहती हूँ
और इसके एकदम सेंटर में आना चाहिए। तो मैं सेंटर देखूंगी इसका, यहाँ पे सेंटर आ रहा है। मीडियन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा और सेकंड जो है वो हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मैं एक मार्क दे दूंगी डी, यहाँ पर भी मैंने एक मार्क दे दिया डी, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं और मीडियन भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ये जो है बी सी दैट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन से, ए डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, और यहां पर हो जाएगा बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे जो लाइन आ रही है ए सी आ रही है, लाइन सेगमेंट ए सी। एल्टीट्यूड इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब स्ट्रेट लाइन बेसिकली ट्रायंगल के बेसिस में हमको देखनी है, तो ट्रायंगल के बेसिस में हम कैसे देख, तो अब जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स मैंने दे दिए इसमें। अब इसमें जो है एल्टीट्यूड स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, ये मैंने बनाई स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स अगर मैं इसमें डी से चेक करूंगी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, और मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया डी। हम एल्टीट्यूड तीनों बना सकते हैं, दैट मीन्स मैं ए से बी सी पे बना सकती हूँ, बी से ए सी पे बना सकती हूँ और सी से ए बी पे बना सकती हूँ। जैसे अगर मैं इसी ट्रायंगल में बनाऊंगी, स्ट्रेट लाइन ही बनानी है मुझे, यहाँ से भी मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पर जो है एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे जो तीनों एल्टीट्यूड आकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला अब मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओ मार्क कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो या इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, तो उस केस में जब भी एल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करोगे, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, एल्टीट्यूड के केस में वो जब इंटरसेक्ट होंगे वो इंटीरियर में इंटरसेक्ट होंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल के इनसाइड में इंटरसेक्ट होंगे, फिर वो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। और तो ऑर्थो सेंटर इस केस में कहाँ पे लाए हो रहा है, एक्यूट एंगल के केस में इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में लाए कर रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो हो गया एक्यूट एंगल, राइट एंगल के केस में क्या होगा और ऑब्ट्यूस एंगल के केस में क्या होगा। राइट एंगल के केस में क्या होगा, राइट एंगल के केस में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री तो एक ऑलरेडी बन ही रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये ए मार्क दिया, ये बी मार्क दिया और ये सी मार्क दिया। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों यहीं पे 90 डिग्री बन रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बी से यहाँ पे बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया, ये 90 डिग्री बना। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी ए से, तो ऑब्वियसली यहीं पे जाके बनेगी, और अगर मैं सी से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी तो स्ट्रेट लाइन यहीं पे ही बनेगी। तो दैट मीन्स यहीं पर जो है ऑर्थो सेंटर लाए करता है, ऑर्थो सेंटर लाए कर रहा है वर्टेक्स पे। तो यहाँ पे भी मैंने तीन अल्टीट्यूड ही बनाए हैं, अल्टीट्यूड एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ये, तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं कहाँ पे, एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे मिल रहे हैं। अब तीसरा जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एक्यूट है, ये राइट है
अब तीसरा होता है दैट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के केस में क्या होगा, जैसे ये बनाया मैंने, ये ऑब्ट्यूज बनाया ए बी सी, इसमें एक तो यहां पे चला जाएगा। अब इसका अगर मैं बनाऊंगी स्ट्रेट लाइन ए से, तो ये तो यूं जा रही है, तो दैट मीन्स आई नीड टू एक्सटेंड दिस लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर इसका बना एल्टीट्यूड। अब वैसे ही सी का जब मैं बनाऊंगी, यहाँ से जब मैं बनाऊंगी तो यहाँ पे गया, तो इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बना। तो यहाँ पे अगर तीनों आप देखें तो तीनों के तीनों अलग बन रहे हैं, जैसे मैं इसको डी दे देती हूँ, इसको ई दे दिया ये वाले पॉइंट को, और इसको एफ दे दिया, तो यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, तो मिल नहीं रहे, दैट मीन्स दे विल मीट एट दिस पॉइंट। इसको आगे तक एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो हो जाएगा ये इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ओ पॉइंट ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल की केस में। तो ऑब्ट्यूज एंगल की केस में एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में लाई करता है ऑर्थो सेंटर। कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड थिंग दैट इट शुड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। तो ये था एल्टीट्यूड के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। टोटल मैं 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगी आपको ट्रायंगल्स की। थैंक यू।